रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार रात नोवो ओगारियोवो में अपने आधिकारिक आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। पुतिन ने पीएम मोदी को अपने आवास के चारों तरफ घुमाया, इलेक्ट्रिक कार की सवारी की और घोड़े का अस्तबल भी दिखाया। इस दौरान दोनों नेताओं को हल्के फुल्के अंदाज में देखा गया। ये बातचीत द्विभाषीय के जरिए हुई। पुतिन ने भारत की प्रगति में मोदी के योगदान की खुलकर तारीफ की। पुतिन ने पीएम मोदी को मॉस्को के बाहर निजी बातचीत के लिए सरकारी आवास बुलाया था। यहां पुतिन ने कहा, मैं आपको एक बार फिर प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई देना चाहता हूं। मुझे नहीं लगता है कि यह कोई आकस्मिक जीत है, बल्कि आपके कई वर्षों के कामों का परिणाम है। आपके अपने विचार हैं, आप बहुत ऊर्जावान व्यक्ति हैं। भारत और भारतीय लोगों के हित में नतीजे देने में सक्षम है, रिजल्ट स्पष्ट है। खबरों के मुताबिक पुतिन का कहना था कि भारत मजबूती से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पूरा जीवन अपने लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है और हम इसे महसूस कर सकते हैं। दरअसल जब दोनों राष्ट्र अध्यक्षों ने चाय पर अनौपचारिक चर्चा की तो मोदी ने भारत में हाल ही में संपन्न हुए आम चुनावों का जिक्र किया और कहा, भारत के लोगों ने उन्हें मातृभूमि की सेवा करने का मौका दिया है। इस पर पुतिन ने जवाब दिया, आपने अपना पूरा जीवन भारतीय लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है और वे इसे महसूस कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका कहना सही है, मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, मेरा देश और मेरे देश के लोग। बाद में राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी ने नोवो ओगारियोवो में पुतिन के आवास के आसपास सैर की। पुतिन ने मोदी को आवास के चारों तरफ घुमाया और उन्हें एक इलेक्ट्रिक कार में भी घुमाया। अधिकांश समय उन्होंने दूरभाषियों के जरिए बात की। हालांकि जब वे कार छोड़कर बगीचे की ओर चल रहे थे तो उनके बीच अंग्रेजी में संक्षिप्त बातचीत भी हुई। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को अपना घोड़ों का अस्तबल भी दिखाया। यहां दोनों नेताओं ने टहलते हुए अपनी बातचीत जारी रखी। बातचीत के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट और नोवो ओगारियोवो में मेजबानी के लिए राष्ट्रपति पुतिन का आभार व्यक्त किया। मोदी ने कहा, कल भी हमें बातचीत का इंतजार है। ये बातचीत निश्चित रूप से भारत और रूस के बीच दोस्ती के बंधन को और मजबूत करने में काफी मददगार साबित होगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।